आज हम आए हैं नाम्बा. नाम्बा जो है वो ओसाका का बहुत ही हैपनिंग प्लेस है. और इनफैक्ट हैपनिंग प्लेस तो पूरा का पूरा ओसाका है ही है, लेकिन नाम्बा ये भी एक बहुत ही फेमस जगह है. आरुबाई तो इवन परमानेंट जॉब्स और स्कूल्स के ये काफ़ी पास है. इसमें ट्रेन्स का नेटवर्क बहुत अच्छा है. जैसे अभी हम एक बिल्कुल स्टेशन की इरीगुची पर ही हैं, यानी कि एंट्रेंस पर ही हैं. और नाम्बा जो है एक ऐसा प्लेस है जिसमें रात को यहाँ पर लाइव कॉन्सर्ट वगैरह भी होते हैं, और इंटरनेशनल फॉरेनर्स भी यहाँ पर अब काफ़ी दिखने लग गए हैं. जैसे चाइनीज़ कोरियन का तो फेस जापनीज से काफ़ी मिलता है, तो आपको उतना डिस्टिंग्विश नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी आपको पता चल जाएगा कि ये फॉरेनर्स हैं. काफ़ी सारे फॉरेनर्स जो हैं वो जैसे डाउनटाउन मार्केट, इस इन बिल्डिंग के पीछे डाउनटाउन मार्केट है, वहाँ पर घूमने जाते हैं. और जिस तरह से हम बात कर रहे थे फॉरेनर्स की, तो फॉरेनर्स जो हैं वो यहाँ पर परमानेंट जॉब भी बहुत करते हैं. परमानेंट जॉब में स्टार्टिंग सैलरी की अगर हम बात करें तो लगभग 25 मान से 30 मान स्टार्टिंग सैलरी होती है, जिसको आप अगर हम पहले इसकी कैलकुलेशन खर्चे के साथ कंपेयर करके करें तो एक महीने का एक्सपेंस अगर मैं नाम्बा की बात करूं तो लगभग 10 मान हम कह सकते हैं, जिसमें आपके लगभग 3 मान या 3.5 मान आपके रहने के, जिसमें काफ़ी अच्छा शेयर हाउस या अपार्टमेंट आपको मिल सकता है, और बाकी 7 या 8 मान खाने पीने या ट्रैवल के. टोटल अगर 10 या 12 मान लें तो इसीलिए आप 10 मान बचा सकते हैं. ये मैं बात कर रहा हूँ परमानेंट जॉब्स की. तो परमानेंट जॉब्स में आपको लगभग जैसे 1 साल या 1.5 साल या 2 साल अगर आपने जापनीज़ कर लिया तो आपको और भी अच्छी जॉब मिल सकती है, या फिर अगर आपने 1 साल परमानेंट जॉब करी है तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर से आपका इंक्रीमेंट होके लगभग 30 मान या 35 मान तक आप पहुंच सकते हैं, जिसमें से अगर हम सेविंग की बात करें तो अगेन 20 मान. मान क्या होता है? मान का मतलब होता है 10,000 येन, यानी कि 20 मान का मतलब हो गया 2 लाख येन. अगर इसको इंडियन करेंसी में बोले तो लगभग 1.25 लाख रुपये ये आप सेविंग कर सकते हैं 1 साल के बाद ही पर मंथ की. तो ये हैं सब फ़ायदे जापान में जापनीज़ पढ़ने के. सिर्फ आपको इंटरनेशनल कल्चर ही सीखने को नहीं मिलता, आपको बहुत अच्छा अच्छा फूड ही खाने को नहीं मिलता, बल्कि आपको कुछ ऐसी भी चीज़ें देखने को मिलती हैं. जैसे कि इस टाइम हम खड़े हैं सेन्नीची माए नाम की जगह पर. ये एक डाउनटाउन स्ट्रीट कह सकते हैं. आइए इसको थोड़ा सा अंदर से देखते हैं. अगर इसकी लोकेशन हम बहुत अंदर तक जाके देखें तो और भी बहुत छोटी छोटी बहुत ही सुंदर सुंदर स्ट्रीट्स हैं, जो कि आपको स्ट्रीट फूड का भी एक्सपीरियंस दे सकती हैं, होम फूड का भी एक्सपीरियंस है, और जापान के ऑथेंटिक डिशेस जैसे कि सोबा, उदोन, ताकोयाकी, ओकोनोमियाकी, सुशी, इन सब का भी एक्सपीरियंस आप बहुत मज़े से ले सकते हैं. सो आई विल से कि आपको एक बार लाइफ में जापान को एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए, पहले जापनीज़ लैंग्वेज स्टडी के थ्रू और फिर जॉब्स के थ्रू. यह है नाम्बा का अमेरिकन पार्क. और वो जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग फेमस है ऐसे ऐसे अलग अलग ऑफिस के लिए जो कि इंटरनेशनली लोगों को हायर करते हैं. मतलब इंटरनेशनल ऑफिस इसमें काफ़ी सारे हैं, जिसमें एशियंस की भी जॉब, यूरोपियंस की भी जॉब और अमेरिकन की भी जॉब लगती है. जापान के अंदर ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो कि अब क्योंकि जापान में लेबर फोर्स कम होती जा रही है, पॉपुलेशन घटती जा रही है, इसलिए इंटरनेशनली वो काफ़ी लेबर को हायर कर रहे हैं. लेबर कहने का मतलब वो वाली लेबर नहीं है जो इंडिया में लेबर होती है. लेबर का मतलब है वर्क फोर्स, जिसमें ऑपरेशनल वर्क्स होते हैं, ऑफिस वर्क्स होते हैं, नॉर्मल एडमिन काम होते हैं, जो कि फॉरन स्टूडेंट्स के लिए. जैसे कि इंडिया से अगर आप जापनीज़ लैंग्वेज सीखने जापान जाते हैं 1 साल या 1.5 साल के बाद, तो आपकी जॉब लगना बहुत ईजी हो जाता है. और उसके बाद मनी सेविंग करने के साथ साथ आपकी जापनीज़ लैंग्वेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से जंप करती है. इनफैक्ट आपकी जापनीज़ लैंग्वेज जो है वो जापनीज़ नेटिव के पास पहुंच जाती है, जिससे आपके जॉब के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं, और जॉब की सैलरी भी इनफैक्ट जापनीज़ लैंग्वेज पर ही ज़्यादातर डिपेंड करती है. और इसके साथ साथ एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर वर्क वीज़ा होता है तो वो 5 साल का या 3 साल का या इन सम केसेस देर इज़ 7 to 9 years वर्क वीज़ा ऑल्सो. तो ये वर्क वीज़ा के लिए भी जापनीज़ लैंग्वेज की ही इम्पोर्टेंस होती है. तो बेसिकली यहाँ पर एशिया में जैसे चाइना है, कोरिया है, वियतनाम है, यहाँ से भी लोग काफ़ी आते हैं. अब इंडिया से भी नंबर काफ़ी बढ़ गया है लोगों का जापनीज़ लैंग्वेज सीखने के लिए.
हाँ एक बात और, JLPT की अगर हम बात करें तो N4 N5 के लेवल पे ही यूजुअली स्टूडेंट्स आते हैं और वो N1 तक के लेवल पर पहुंच जाते हैं एक साल में। ये बात इंडिया में अगर आप जैसे किसी से पूछेंगे, किसी से डिस्कस करेंगे तो शायद वो इस चीज़ को कन्फर्म ना कर पाए, लेकिन अगर आप जापान आके एक बार देखें तो वहाँ पर एक दिन या दो दिन के अंदर ही आपको थोड़ी थोड़ी जापनीज आनी शुरू हो जाती है, समझ आनी शुरू हो जाती है, और दो महीने या तीन महीने में ही थोड़ा थोड़ा नॉर्मली ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट बोलना शुरू कर देता है। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे पास कॉल्स आते हैं जो कि ये कहते हैं कि नहीं सर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होता, आप कैसे कह सकते हैं कि छः महीने में या एक साल में हम जापनीज जैसा बोलना शुरू कर देंगे। तो आइए देखिए, एक बार ये एक्सपीरियंस कीजिए या फिर किसी उस बंदे से पूछिए जो कि जापान रहा हुआ है, जापान में रह रहा है। जापनीज़ लैंग्वेज को इम्प्रूव करना, जापनीज़ लैंग्वेज को बोल सकना कुछ भी मुश्किल नहीं है। जापान के फॉरनर स्टडी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आरोबाइतो। आरोबाइतो के लिए अलग अलग जगहें होती है, जैसे रेस्टोरेंट्स, कॉम्बिनी, हैकोएन शॉप यानी कि 100 yen शॉप। जैसे कि अभी हम दाइसो नाम की 100 yen शॉप की चेन है, इसके सामने खड़े हैं, तो इसमें भी बाइतो बोशुचू मैंने यहाँ कहीं देखा है, हाँ यहाँ पर ये जो पोस्टर है ये बाइतो स्टफ बोशुचू का पोस्टर है, जिसमें आप देख सकते हैं 950 yen पर आर की आरोबाइतो की वेज आपको मिलेगी, जो कि अगर 4 hours पर डे ऑन एन एवरेज अगर हम ला कर चलते हैं तो आप एक महीने के लगभग 12 man या 11 man के आसपास कमा सकते हैं, और से एक आज ही यानी कि लिविंग एक्सपेंसेस आपके पड़ेंगे लगभग 8 man या 9 man के, तो लगभग 2 man या 3 man आप बचा सकते हैं। नहीं भी बचाते तो कोई बात नहीं, यहाँ की लाइफ, यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड और यहाँ की जो फूड आइटम्स है उसी को आप एंजॉय कर पाएँ, साथ साथ अपनी जापनीज़ लैंग्वेज पढ़ पाएँ, कॉस्ट रिकवर कर पाएँ, यही हमारा टारगेट होता है। ऑल द बेस्ट।